सभी छात्रों को और दर्शकों को एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अति एकेडमी पर। वीडियो के सेक्शन में अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था पर तापमान का और दबाव का क्या प्रभाव होता है, क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं चर्चा तापमान पर। पदार्थ की अवस्था पर तापमान का क्या प्रभाव होता है? जब पदार्थ का तापमान घटाया या बढ़ाया जाता है तो अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। जब ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है, ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है यानी इसको ताप दिया जाएगा, गर्म करने जब ऊष्मा ऊर्जा दी जाएगी तो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने पर जो ठोस है वो द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? संघनन, संघनन, या साधारण इसको गलन बोल देते हैं, लिक्विडिफिकेशन, लिक्विडिफिकेशन, ठीक है। ऐसा क्या होता है? देखिए, ठोस पदार्थों के कणों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण होता है, बहुत अधिक आकर्षण बल के कारण से वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल घनिष्ठ, बहुत घनिष्ठ, बिल्कुल कम दूरी के साथ वो एक दूसरे के साथ व्यवस्थित है। जब बाहर से ऊष्मा मिलती है तो ये ऊष्मा जो कण है वो अवशोषित कर करके उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये गतिज ऊर्जा बाहर से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा से प्राप्त होने वाली जो गतिज ऊर्जा है, उनकी जो गतिज ऊर्जा बढ़ती है वह उस आकर्षण बल को संतुलित करती है जिसके कारण से उनकी अवस्था ठोस बनी हुई थी। तो इस कारण से क्या है, दो विपरीत लक्षण बन गए। यहाँ पे आकर्षण बल है वो उसकी अवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और गति ऊर्जा क्या है, कणों को दूर ले जाने के लिए जिम्मेदार है। जब कण नजदीक आएंगे तो अवस्था क्या है, ठोस, दूर जाएंगे तो क्या है, ठोस से द्रव और द्रव से गैस, ठीक है। तो जब जब गर्म किया जाता है तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाने के कारण से ठोस पदार्थ जो है वो द्रव में बदल जाते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं, और जिस तापमान पर ऐसा होता है उसको बोलते हैं गलनांक, गलनांक, या इसका दूसरा नाम होता है द्रव्यनांक, द्रव्यनांक, ठीक है, या इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, दोनों एक बात अलग है, ये जो चीज है ये तो तापमान है, ठीक है, तापमान। जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है उस तापमान को, उस ठोस पदार्थ का गलनांक, द्रव्यनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये तो एक तापमान है, लेकिन जो संघनन है ये क्या, ये तो क्रिया है। क्या, कौन सी क्रिया? ठोस की द्रव में बदलने की क्रिया। जब ठोस गर्म किए जाते हैं द्रव में बदल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तरल रूप से ठोस रूप में पानी की, पानी का ठोस रूप क्या है, बर्फ। बर्फ जब गर्म होती है तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, बर्फ क्या हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है, वो किसमें बदल जाएगी, द्रव में। तो बर्फ का गलनांक कितना हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया बर्फ का गलनांक, 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है आपका, बर्फ, बर्फ क्या है, ठोस होगी ना, ये क्या है, बना ठोस, और ठोस में हमने क्या ले लिया, उदाहरण बर्फ, ठीक है। ये बर्फ पिघल के क्या बनाएगी, द्रव, ये किसी पर था, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। यहां ध्यान देने की बात क्या है, जो ये संघनन है, ताप है, गलनांक है, ये कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो अवस्था होती है उसके अंदर जो ये H2O, यानी H2O क्या है, ये जल के सूत्र है, जल के जो कण होते हैं, जल के जो अणु होते हैं उसका सूत्र क्या है, H2O, ठीक है। ये आता तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं अवस्थाएं होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में। ये एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल वो किस अवस्था में पाया जाता है, दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, वो आधा ठोस रूप में होता है और आधा तरल रूप में। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से प्लस हो गया तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा पूरा का पूरा, और अगर माइनस हो गया, क्या है, माइनस हो गया तो क्या जाएगा आपका, वो ठोस हो जाएगा पूरे का पूरा, ठीक है, यानी बिलो, बिलो 0 केल्विन, सॉरी बिलो 0 डिग्री तो क्या है, ठोस पूर्ण रूप से, और अबव, अबव 0 डिग्री सेल्सियस वो क्या, पूर्ण रूप से द्रव हो जाएगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर वह ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में
होता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठोस और द्रव अवस्था के बीच की एक अवस्था होती है साम्य अवस्था। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, तो ये क्या हुआ तापमान में कारण। अब अगर हम बात करते हैं द्रव की, ये तो एक प्रक्रिया है सम्मेलन। ठीक है, अगली दूसरी बात करते हैं अगर द्रव पदार्थों को भी गर्म किया जाता है उसको ताप प्रदान किया जाता है, उष्मा दी जाती है, तो दो पदार्थ किसमें बदल जाते हैं गैस पदार्थ में, किसमें बदल जाते हैं गैस में, इसको क्या बोलते हैं वाष्पीकरण, क्या होता है इसको वाष्पीकरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन वाष्पीकरण। क्या होता है द्रव के जो कण है उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को बाहर से आने वाली जो ऊष्मा है वो उन कणों की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ा देगी कि वो बड़ी हुई गतिज ऊर्जा इस आकर्षण बल को संतुलित कर देगी और द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, और ये गैस में परिवर्तित होने की जो क्रिया है इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, वेपोरेशन, वेपोराइजेशन सॉरी। और जिस ताप पर होता है उसको बोलते हैं क्वथनांक, क्वथनांक यानी इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या है तापमान, जिस तापमान पर दोनों विपरीत बातें हैं, वाष्पीकरण तो एक क्या है प्रक्रिया है द्रव से गैस में बदलना, ठीक है, और दूसरा ताप का क्वथनांक, जिस ताप पर जो क्वथनांक है, ठीक है, जिस ताप पर ये द्रव उबलने लगे, द्रव बाफ में बदल जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं क्वथनांक। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं जल, जल को यानी जो जल है वो तरल रूप में है, ठीक है, तरल रूप में, इससे हम क्या बनाएंगे गैस, ठीक है, तो गैस ये है तो वही H2O, यहाँ पे भी क्या ये H2O है उसी अवस्था में, यहाँ का है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान का, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या है ये क्वथनांक है किसका जल का, ये जल का क्वथनांक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो जल का क्वथनांक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पानी के बाद पानी उबलने लगेगा, यानी द्रव से बाफ में बदलने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वथनांक। अब फिर यहाँ पे भी प्रश्न आता है, एक प्रश्न आ जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में होता है, फिर वही वैसा ही प्रश्न जो पीछे आया था, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल दो अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में। अगर हम एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें, एकदम से स्टिक 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें आधा जो जल है वो द्रव अवस्था में मिलेगा और उसका कुछ भाग जो वो गैसीय अवस्था में मिलेगा। ठीक है, अगर तापमान इससे बढ़ जाता है 100 डिग्री से, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा वाष्प में बदल जाएगा, बाफ में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ठीक है, अगर तापमान 100 डिग्री से कम हो जाएगा तो वो किस अवस्था में आ जाएगा द्रव, यानी यहाँ पे एक साम्य अवस्था उत्पन्न है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे तापमान निर्धारित करेगा कि जल अल्टीमेटली अंततः किस अवस्था में रहेगा, तापमान अगर 100 से अबव गया तो क्या सारा का सारा वाष्पीकृत हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, अगर तापमान 100 से नीचे आ गया तो सारा का सारा वापिस क्या है द्रव अवस्था में ही उन्हें आ जाएगा। तो ये थे हमारे तापमान के प्रभाव। ठीक है, ये जो हमने 3 प्रक्रियाएं की, 2 प्रक्रियाएं रहेंगी हमारे सम्मेलन और वाष्पीकरण। ठीक है, ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सीधा ठोस से द्रव गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, हमने यहां देखा ठोस किसमें बदला द्रव में और द्रव किसमें बदला गैस में, लेकिन कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो सीधे किसमें बदल जाते हैं गैस में, इसका नाम क्या है अमोनियम क्लोराइड नाम का एक पदार्थ रहता है वह, और दूसरा एक होता है नेफ्थलीन, ठीक है, जिसको आप बोलते नहीं मौत जो होते हैं कपड़ों के अंदर रखते हैं जो कपूर की गोलियां जिसको बोल देते हो। ठीक है, ये जो पदार्थ होते हैं अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन, ये सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इसको ऊर्ध्वपातन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्ध्वपातन क्या प्रक्रिया है, तो आप क्या लिखेंगे ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में जाए सीधा किसमें है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने किया ताप के 3 प्रभाव,
पहला क्या है, संलग्न, जो क्रिया के ताप के बढ़ जाने से ठोस द्रव में बदल जाता है। ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया को संलग्न बोलते हैं। द्रव को जब गर्म किया जाता है तो द्रव वाष्प में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, इसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। और तीसरी होते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ जो सीधा ठोस रूप से गैस में बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाते हैं, इसको बोलते हैं उद्गपातन। ये तीनों की तीनों प्रक्रियाएं जो है ये रिवर्सिबल है। कैसी है ये? रिवर्सिबल, यानी हम इनको एग्जैक्ट रिवर्स कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। उत्क्रमणीय क्रियाएं हैं ये। उत्क्रमणीय का मतलब जो जिस रूप में थी, बर्फ थी, पिघल के पानी हो गया, पानी को ठंडा करो तो बर्फ बन जाएगी। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये क्या आता? ठोस, ठीक है। ठोस से क्या हो गया? ये आ गया था ठोस, ठीक है। ठोस को गर्म किया, गर्म किया, ठीक है, गर्म किया तो क्या हुआ आपका? संलग्न, संलग्न हो गया, संलग्न हो गया तो क्या बन गया आपका? द्रव, ठीक है। और द्रव को क्या किया? गर्म किया, गर्म किया तो क्या बन गया आपका? इसका वाष्पीकरण, वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण से क्या बन गया आपका? गैस, ठीक है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म किया तो सीधे किसमें चले गए? वो सीधे चले गए गर्म करने पर, गर्म किया और ये क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन, क्या गया? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन हो गया। कैसी अवस्था में आ गया ये पदार्थ? अब क्या होता है, उल्टा करते हैं इसका रिवर्स, इसका रिवर्स करेंगे। इसके रिवर्स में देखिए, अगर हम द्रव को ठंडा करना शुरू कर देते हैं, क्या कर देंगे? ठंडा, ठीक है। जैसे पानी है उसको फ्रिज में रखते हैं तो क्या होगा? ठंडा होगा। ठंडा कर देंगे तो ये क्या जाएगा? ये हो जाएगा जमना, क्या जाएगा? जमना, पानी का जमना। पानी जम करके वापिस क्या बना देगा? ठोस बना देगा। तो यानी जो संलग्न है उसकी जो ये उत्क्रमणीय क्रिया है, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, वापिस उसी अवस्था में आ जाए। तो संलग्न का जो उत्क्रमणीय क्रिया वो क्या है? जमना। और अगर आप बात करते हैं द्रव से गैस में बदलने की, द्रव से गैस में बदलना क्या होता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण भी जो है वो कैसी प्रक्रिया है? रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय है। यानी अगर गैस को वापिस ठंडा करोगे आप, गैस को क्या किया हमने? ठंडा किया, ठंडा किया तो क्या है? इसको बोलते हैं संघनन। क्या होता है? संघनन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कई बार होता है आपने देखा कि पानी पतीले में उबल रहा है या कुकर से सीटी निकल रही है, आपने उसके आगे कोई बर्तन लगा दिया तो आपको देखोगे जो गैस है वो पानी के रूप में टप टप करके गिरने लगेगी। क्या है ये? वाष्पीकरण का उल्टा संघनन। बरसात जो होती है, जो पानी धरती पे या जल स्रोत में होता है सूर्य की तपक से, वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठता है। जब ऊपर जाने के बाद जो वाष्प ठंडी होती है तो ये क्या है? ठंडी होकर के जल के रूप में, जल कणिकाओं के रूप में आ जाती है, बादल बनते हैं। ये बादल क्या है? संघनन प्रक्रिया। बादल वाष्प का भूमि से उठना, ऊपर जाकर के बादल बनाना, ये क्या है? वाष्पीकरण। बादलों के अंदर जो वाष्प है वो ठंडी होकर के जल कणिकाएं बनाएंगी, वो क्या है? संघनन, ठीक है। तो संघनन से बरसात होती है, वाष्पन से बादल बनते हैं। अगर हम बात करते हैं गैस, अगर जो पदार्थ, हर गैस के लिए ऐसा नहीं होता, जो पदार्थ उत्क्रम जिस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है उसी पदार्थ का उल्टा हुआ, वही पदार्थ निक्षेपित भी हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अगर ठंडा किया जाता है, क्या किया जाता है? ठंडा, तो उसका निक्षेपण हो जाता है, निक्षेपण, निक्षेपण होता है। यानी ये क्रिया है, जब ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों की गैसीय अवस्था को एकदम से ठंडा किया जाता है तो वो बिना द्रव में बदले वापिस गैस में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NH4Cl, ठीक है। NH4Cl को हमने क्या किया था? गर्म किया था। ये गर्म करने का निशान आया, गर्म किया तो ये गर्म करने के बाद क्या रहा? NH4Cl ही रहा है। क्या बदला है? सिर्फ अवस्था। ये क्या थी? ठोस अवस्था, ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड को मैंने किससे दर्शा दिया? स्मॉल एस से, ठीक है। और ये क्या था हमारा? गैस। गैस को मैं दिखा देता हूँ स्मॉल जी से। ये रासायनिक रूप से तो भाई अमोनियम क्लोराइड है। जब हमने इसको ठंडा किया, ठंडा किया, ये ठंडा किया तो ये वापिस गैस में आ जाएगा और गैस से इसमें बदल जाएगा। इसके लिए बोलते हैं निक्षेपण। तो ये हमारे तापमान के प्रभाव थे पदार्थ की अवस्थाओं पर। यहां एक बात विचार करने वाली है जो आपको मैं बता देता हूं। एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है जो मैंने भी बताए थे, 0 डिग्री सेल्सियस जल की अवस्थाएं, 100 डिग्री सेल्सियस जल की अवस्थाएं, उसी की तरह एक उपयोगी प्रश्न यहाँ पे है। देखिए, जब
कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, संलग्न होता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान उष्मा देते रहने पर भी तापमान में वृद्धि नहीं होती। सुनिए एक बार, वेट इट मिनट, यह है बर्फ, ठीक है, जो क्या है, जल का ठोस रूप है, ठीक है। बर्फ को गर्म किया, बर्फ का क्या हो रहा है, संलग्न, संलग्न हो रहा है, और ये क्या हो गया आपका तरल पदार्थ, तरल रूप बन गया इसका, यानी पानी, ठीक है, पानी बन गया। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संलग्न शुरू होता है। अगर हम इसको हीट देते रहेंगे जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ ठोस रूप से तरल रूप में परिवर्तित होती है, तापमान नहीं बढ़ेगा। एक साधारण सा एक नियम है, जब बाहर से ऊष्मा प्रदान की जाती है तो पदार्थों का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन अगर व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि ऊष्मा देने पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होने लगी, तो जब तक पूरी की पूरी वो अवस्था परिवर्तित नहीं हो जाती, तापमान में वृद्धि नहीं होगी। सपोज मान लीजिए ये बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, और इसने पिघलना शुरू कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलना शुरू हो गया, ठीक है। हम बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो गर्म कर रहे हैं तो तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, ठीक है। ये सारे के सारे जो है बर्फ पिघल करके क्या बना देगी, जल, जल बना देगी। ये जल का तापमान भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों अवस्थाएं उष्मा दी जा रही है, तापमान में वृद्धि नहीं हो रही, जब तक ये पूरी की पूरी गल नहीं जाएगी, ये इसका तापमान जो है बदलेगा नहीं। इसको ये कहां गई है उष्मा, ये गई गुप्त उष्मा के रूप में, इसको बोलते हैं गुप्त उष्मा, या इसको बोलते हैं प्रसुप्त ऊर्जा, ठीक है। यानी ये केवल अवस्था परिवर्तन के दौरान होता है, जब अवस्था परिवर्तन के दौरान उष्मा बाहर से प्रदान की जाती है, तो जब तक कोई पदार्थ अपनी पूरी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर लेता, तब तक उसका तापमान बढ़ता नहीं है, और अवस्था परिवर्तन के दौरान जो प्राप्त उष्मा है वह तो जैसे मान लीजिए संलग्न, वह एक अवस्था के जो कण है उनके बीच में आकर्षण बल को संतुलित करने में खर्च होती है, और इसे हम प्रसुप्त ऊर्जा या गुप्त उष्मा भी कहते हैं। देखिए ठोस पदार्थों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण है, आकर्षण बल क्या है, उसको ठोस रखना चाहता है, बाहर से उष्मा दी गई, इस उष्मा की वजह से क्या हुआ, उस पदार्थ के कणों के अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ी तो वह गतिज ऊर्जा क्या करेगी, उसको द्रव अवस्था में लेके आने का प्रयत्न करेगी। द्रव अवस्था में आते समय यहां देखिए, समझाने का मैं प्रयत्न करता हूं, जब ये कण इस तरह से व्यवस्थित हैं तो इसका तापमान कितना है, मान लीजिए एक्स डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और वही उसी तापमान पर, ये उसी तापमान पर, ठीक है, इसका कितना है, एक्स डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर। जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के कारण हम इसको क्या देंगे, ऊष्मा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मोम को पिघला रहे हैं, ठीक है, द्रवित मोम ज्यादा गर्म होगा बजाय कि उतने तापमान का ठोस मोम। देखिए जब ये ऊष्मा इसको दी, तो ये ऊष्मा जब ये अवस्था परिवर्तित होने लगेगी, जब ये गलने लगेगा, तो ये अतिरिक्त ऊष्मा जो है, इसके जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल, इस आकर्षण बल को संतुलित करने में लग जाएगी, संतुलित करने में खर्च होगी, किसके रूप में, गुप्त ऊर्जा के रूप में। तो अब जैसे मान लीजिए इसकी बात करते हैं, ये जो पदार्थ है ये ठोस रूप में है, ठीक है, और ये क्या है, तरल रूप में है, तापमान दोनों का क्या है, समान है, लेकिन इसके अंदर ऊष्मा क्या है, ज्यादा, ज्यादा गर्म, क्यों, क्योंकि देखिए जो एक्स डिग्री सेल्सियस है, इसके अंदर जो ऊष्मा है, प्लस में जो ऊष्मा इस आकर्षण बल को संतुलित करने में खर्च हुई, गुप्त ऊष्मा, वह गुप्त ऊष्मा भी इसके अंदर है। यानी एक समान तापमान पर
किसी भी पदार्थ की जब दो अवस्थाओं की तुलना की जाती है तो हमेशा ठोस की तुलना में द्रव अवस्था के अंदर उस तापमान के अंदर अधिक ऊष्मा होगी। यह अधिक ऊष्मा उसके अंदर विद्यमान गुप्त ऊष्मा के कारण होती है। यानी अगर हम बात करते हैं, कहते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ है और जीरो डिग्री सेल्सियस पर क्या है, पानी है, तो दोनों में से अधिक ऊष्मा किसमें होगी, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, जल में। किसमें रहेगी, जल में। देखिए तापमान समान है, तापमान समान है लेकिन अवस्था परिवर्तन है। यहाँ क्या है, ठोस अवस्था है और यहाँ पे क्या है, द्रव अवस्था। एक समान तापमान पर ये केवल वही होता है जहां पे पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेज होता है, ठीक है, ठोस से द्रव अवस्था के, जिस एक पर्टिकुलर तापमान के ऊपर अवस्था परिवर्तन होता है, जब वहां कोई दो अवस्थाओं का एक जगह मिलान होता है एक तापमान पर, केवल वहीं तक सीमित ये बात। तो ये कहता है जीरो डिग्री के ऊपर इसमें कहता है संघनन की प्रसुप्त अवस्था बोलेंगे इसको, संघनन की प्रसुप्त अवस्था। यानी जब कोई ठोस पदार्थ गल कर करके द्रव अवस्था में आता है तो उसके जब तक उस ठोस पदार्थ का पूर्ण रूप से संघनन नहीं होता तो उसका तापमान नहीं बढ़ता है, किंतु बाहर से अवशोषित ऊष्मा उसके अंदर आकर्षण बल को संतुलित करने में गुप्त ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है और तरल अवस्था में वह ऊष्मा विद्यमान गुप्त ऊष्मा के रूप में विद्यमान रहती है। इसे बोलते हैं संघनन की प्रसुप्त ऊर्जा। यानी एक किलोग्राम ठोस पदार्थ को तरल में बदलने के लिए जो ऊष्मा अवशोषित होती है आकर्षण बलों को संतुलित करने के लिए, उसे हम बोलते हैं संघनन की प्रसुप्त ऊर्जा। ठीक है, आप इसको रिवाइंड करके दोबारा लिख लीजिएगा, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। अगर हम बात करते हैं क्वथनांक की, यानी हमने क्या किया 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या द्रव है और ये क्या बन गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन गया आपका भाप। ठीक है, तो अब यही प्रश्न यहाँ पे आता है, ठीक है ना, जिस तापमान के ऊपर अवस्था परिवर्तन होता है ये बात वहीं तक सीमित रहती है, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण की प्रसुप्त अवस्था, प्रसुप्त ऊर्जा या गुप्त ऊर्जा। यानी जब तापमान दोनों अवस्थाओं का समान है तो किसमें ऊष्मा ज्यादा होगी, भाप की। 100 डिग्री सेल्सियस का पानी और 100 डिग्री सेल्सियस की ऊपर भाप जो है उनमें से ज्यादा गर्म कौन सा होगी, भाप ज्यादा गर्म होगी। क्यों, भाप में जो अतिरिक्त ऊष्मा है जो आकर्षण बल को संतुलित करने के लिए अवशोषित होती है, वाष्पीकरण की जो प्रसुप्त होता है वह भी विद्यमान है, इस कारण से 100 डिग्री सेल्सियस की जो भाप है वह 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से अधिक उष्ण होगी, अधिक उष्ण होगी। तो यहाँ पे दूसरी परिभाषा आती है वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊर्जा के लिए, कहते हैं जब एक किलोग्राम द्रव पदार्थ को वाष्प में बदला जाता है तो अवस्था परिवर्तन के दौरान उस द्रव पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण को संतुलित करने के लिए जो ऊष्मा अवशोषित होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त अवस्था ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो हमारा पदार्थ पर ताप का प्रभाव। तो अभी हम बात कर लेते हैं पदार्थ पर दबाव का प्रभाव। वेट अ मिनट, अब हम बात कर रहे हैं पदार्थ की अवस्था पर दबाव का प्रभाव, दबाव का प्रभाव। देखिए जब दबाव बढ़ता है तो पदार्थ के कण समीप आते हैं, पदार्थ के कण समीप आएंगे तो पदार्थों के कणों का समीप होना या दूर जाना इसी से अवस्था परिवर्तन होता है। अगर किसी पदार्थ को, जैसे मान लीजिए गैस है, ठीक है, ये गैस है, गैस को हमने किसी बर्तन में डाला हुआ है, हम उस बर्तन के ऊपर दबाव लगा रहे हैं, ठीक है, दबाव बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ तापमान को घटा रहे हैं, ठीक है, घटाने पर जो गैस है ना वो गैस वह तरल में बदल जाएगी। यानी जब किसी गैसीय पदार्थ पर अधिक दबाव डाला जाता है और साथ ही तापमान कम कर दिया जाता है तो गैसीय पदार्थ तरल रूप में या द्रव रूप में बदल जाते हैं, यह दबाव का परिणाम होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी क्या है, संपीड़ित सीएनजी,
ये क्या है आपकी गैस है ना, नेचुरल गैस, इसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भरते तो क्या आता है एलपीजी, लाइक लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये गैस है। पेट्रोलियम गैस को उच्च दबाव के साथ और तापमान को कम करते हुए सिलेंडर में भरा जाता है तो वह किस रूप में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। एक उदाहरण आता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर संपीड़ित किया जाता है यानी उसके ऊपर दबाव बढ़ाया जाता है और साथ के साथ जो तापमान है वह तापमान जो है घटाया जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह सीधी ठोस रूप में आ जाती है, सीधी ठोस रूप में आ जाती है, द्रव रूप में ही आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की विशेष बात है ठीक है, और ठोस रूप में होती है इसको, ये बहुत शीतल होती है, बहुत शीतल, बहुत शीतल होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत शीतल होने के कारण इसका नाम पड़ गया, इसको हम कहते हैं बर्फ, क्योंकि जब हम इसको छूते हैं शीतलता तो होती है लेकिन इसको छूने पर हाथ गीला नहीं होता, इसलिए इसको होता है ड्राई आइस। तो ये हमारा दूसरा एक उदाहरण है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत अधिक उच्च दबाव पर संपीड़ित किया जाता है और साथ ही इसका तापमान घटाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसे बोलते हैं ड्राई आइस। तो एक अच्छा प्रश्न होता है ड्राई आइस क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ, शीतलता के कारण से तो इसको क्या बोलते हैं बर्फ ठीक है, क्योंकि इसको जब हम बर्फ को उठाते हैं पानी से बनी बर्फ को तो हाथ गीला होता है, इसको उठाने पर हाथ गीला नहीं होता इसलिए इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ ठीक है। ये हमारे ताप का और दबाव का जो प्रभाव था अवस्थाओं पर हमने किया ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट और लास्ट वीडियो बनेगा इस पाठ का, जिसमें हम वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली शीतलता क्यों होती है वह डिस्कस करेंगे। बने रहिए, कहीं नहीं जाइए, अगला वीडियो।